Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time humne maximum likelihood ko padh rahe the, phir humne maximum likelihood ki examples ki, aur then humne jo hai wo limitations of maximum likelihood ko dekha. Aaj ke lecture mein students, hum properties of maximum likelihood estimator ko dekhenge. What is the properties of maximum likelihood? First property class वो ये है कि maximum likelihood estimator is unbiased in nature. अब class यहां पे जो property है वो हमें बता रही है कि maximum likelihood estimator जो होता है वो unbiased होता है. Unbiased mean के अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर लें तो उसका रिजल्ट थीटा के इक्वल आ जाएगा. अगर थीटा हमारे पास सिंपली पेरीमीटर है या इसको ट्रू पेरीमीटर भी बोलते हैं, तो उसका अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लें एस्टिमेटर की, अगर हम पेरीमीटर जो है, अगर हम एस्टिमेटर की जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू लें, तो उसका आंसर अगर उसके पेरीमीटर के इक्वल आ जाए तो देन क्लास हम बोलते हैं कि वो अनबाइज्ड है. अब क्लास यहां पे जो बात हो रही है वो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर इज एन अनबाइज्ड इन नेचर. तो क्लास वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैक्सिमम लाइकलीहुड जो होता है वो मे आर मे नॉट बी अनबाइज्ड. यहां पे क्लास जो बात कर रहे हैं अनबाइज्ड इन नेचर की, कि आपने वो बताना है कि किस प्रॉब्लम में मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर अनबाइज्ड होता है या किन कंडीशंस के ऊपर मैक्सिमम लाइकलीहुड जो है वो अनबाइज्ड होता है. नाउ वी गो टू एन एग्जांपल इन विच मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर इज एन अनबाइज्ड इन नेचर एंड ऑल्सो चेक इट्स कंडीशंस ऑफ अनबाइज्ड इन नेचर फॉर द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर. कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क इन विच कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड वाई ऑफ वन इज इक्वल टू एच प्लस वी ऑफ वन, वाई ऑफ टू इज इक्वल टू एच प्लस वी टू, अप टू सो ऑन वाई ऑफ एन कैपिटल एन इज इक्वल टू एच प्लस वी ऑफ कैपिटल एन. क्लास दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विच दीज आर द अननोन पेरीमीटर एंड ऑल्सो वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन इज द आई आई डी मीन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स. इफ वी check IID in detail, then if each random variable has the same probability distribution as the other and all are mutually independent. Class IID का meaning हमारे पास यहां पर यह है कि simply कि हमारे पास वो random variables होंगे, उनकी same probability distribution होगी. Random variable होंगे और उनकी सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. और थर्ड वन इज एंड ऑल आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. तीन चीजें क्लासेस के अंदर होगी कि सबसे पहली बात कि हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल्स होंगे, सेकंड वन इज कि उनकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी, एंड थर्ड वन इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे. दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ मीनिंग ऑफ IID. एंड क्लास यहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया जाए कि जो हमारे पास ये जो सैंपल लिए गए हैं एन ऑब्जर्वेशन, ये गार्जियन नॉइस सैंपल से लिए गए हैं. जो वायरलेस जो सेंसर नेटवर्क सिस्टम है उसमें जो वॉइस नॉइस होती है जो हम चेक करते हैं, ठीक है, गार्जियन नॉइस सैंपल वो वहां से लिया गया है. नॉइस वहां से कहा गया है कि जो उसकी नॉइस होती है वायरलेस के अंदर जो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि यहां पे सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसकी बात कर रहे हैं क्लास. तो क्लास यहां पे
जब हम गाजियन नाइल सैंपल की बात करेंगे तो बेटा याद रखिएगा, अंडरस्टूड इसका मीनिंग है कि उसका मीन इक्वल टू जीरो होगा और वेरियंस जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ क्लास वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एमएल एस्टीमेट ऑफ द अननोन पेरीमीटर। तो क्लास इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है इस बात का कि एच हेड, क्लास अब यहां पे मैं थीटा यूज नहीं कर रहा पेरीमीटर के लिए बल्कि एच यूज कर रहा हूं। अब क्लास एच हेड जो कि हमने एस्टीमेटर बोला हुआ है अननोन पेरीमीटर का, तो क्लास वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हम मीन के रिस्पेक्ट बात करेंगे, वन ओवर एन समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन वाई ऑफ के, दिस इज एन इक्वेशन नंबर वन इन विच क्लास वाई ऑफ के सैंपल मीन एंड, ठीक है, एंड होल आर दी, होल इज द एवरेज ऑब्जर्वेशन एंड एच हेड शोज द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट ऑफ द अननोन पेरीमीटर एच। अब क्लास यहां पे आपने एक दो चीजें नोट करनी है कि बेसिकली हमने यहां पे बताना था कि वो एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर अनबाइज्ड है। वैसे तो ये मे आर मे नॉट अनबाइज्ड होता है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर, लेकिन यहां पे क्योंकि हमने कह दिया है कि अनबाइज्ड इन नेचर मैक्सिमम लाइकलीहुड की, और देन मैं उसकी अब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस तरह एग्जाम्पल के अंदर मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर अनबाइज हो सकता है। तो क्लास वो किन कंडीशन पे होगा मैक्सिमम लाइकलीहुड अनबाइज, के व्हेन, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आई आई डी मीन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल से होंगी, मीन एंड इन एडिशन कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, और जो वहां पे जो हम यूज करेंगे गाजियन नाइज सैंपल, मीन जो सैंपल्स आ रहे होंगे वो गाजियन नाइज से आ रहे होंगे, गाजियन से आ रहे होंगे। जब गाजियन की बात कर दी जाए तो देन बेटा हमारे पास मीन जीरो होता है और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये दो चीजें जो है वो आई आई डी से और गाजियन से सैंपल लिए जाएंगे, तो वो एग्जाम्पल जो हमारे पास इन कंडीशंस के ऊपर वो अनबाइज्ड होने के चांसेस होते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमने जो देखना है यहां पे इसको प्रूफ करना है, तो हमने यहां पे देख लिया कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको क्वेश्चन नंबर वन कह दिया। सेकंड ईच वाई ऑफ के इज अ रैंडम इन नेचर, दैट इज गाजियन रैंडम इन नेचर। क्लास ये हम पहले बात कर चुके हैं के जो y ऑफ k जो हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, ये y ऑफ k, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन रैंडम इन नेचर, y ऑफ k इज इन रैंडम इन नेचर, दैट इज गाजियन रैंडम इन नेचर, एंड h हेड जो है यहां पे वो एवरेज ऑफ y ऑफ k ऑब्जर्वेशंस है। क्लास देखें यहां पे जो h हेड है वो बेसिकली है क्या, एच हेड बेसिकली इसको बेटा एवरेज भी बोलते हैं, क्योंकि एवरेज किसको बोलते हैं, क्योंकि समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्लास वो इक्वल टू एच हेड है, तो यहां पे एच हेड को बोल सकते हैं हमारे पास, ये एवरेज भी कह सकते हैं इसको, एवरेज ऑफ वाई के ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एच हेड इज नॉट इक्वल टू एच मीन, क्लास के हमारे पास यहां पे h जो है वो ट्रू पेरीमीटर है, नॉट नेसेसरली इक्वल टू h, मतलब कहने का कि अगर हमारे पास जो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर हमने फर्ज किया, अब हम मतलब इसको काउंटर तौर पर लेके जा रहे हैं कि हम काउंटर तौर पर इसको देखते हैं, हमने यहां पे पहले लेट कर लिया ये h हेड हमारे पास, ये एवरेज को शो कर रहा है y ऑफ k की, अब यहां पर हम काउंटर तौर पर चेक कर रहे हैं कि लेट सी कि हम देखते हैं कि एच हेड नॉट इक्वल टू एच है, ठीक है, और अब हम देन प्रूफ करना है हमने कि इसकी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एस्टीमेट की, एस्टीमेटर की, वो इक्वल टू एच आती है उस पेरीमीटर के, ठीक है। टू चेक द बिहेवियर ऑफ एमएल एस्टीमेटर, टू चेक द बिहेवियर ऑफ एमएल एस्टीमेटर, फर्स्टली चेक हम टू थिंग्स करेंगे यहां पे, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एच हेड
एंड चेक हाउ क्लोज एच हेड टू एच। बेटा हमने बेसिकली निकालना ये था कि ML जो है एस्टिमेटर हमने बताना था, तो उसके लिए दो चीजें चेक करेंगे। पहली हम चेक करेंगे कि एच हेड का बिहेवियर कैसा है, एंड सेकेंडली चेक करेंगे कि एच हेड हो क्लोज टू कैपिटल स्मॉल एच, दैट इज द ट्रू वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले लेट अस हम कंसीडर करते हैं कि एच हेड जो है, पहली हम फर्स्ट थिंग बता रहे हैं कि एच हेड का बिहेवियर। तो एच हेड मीन इसका होगा मीन एंड वेरियंस ऑफ एच हेड, वी नो डैट। अच्छा क्लास, यहां पे मीन एंड वेरियंस लिख दिया मैंने। अब क्लास अभी मैंने जो एच हेड की बात कर रहा हूं वो जस्ट मीन के रिस्पेक्ट कर रहा हूं। यहां पे आप लिख लें मीन और लिख लें यहां पे आप और वेरियंस ऑफ एच हेड। मीन अगर आप ये वर्किंग मीन के साथ भी कर सकते हैं और वेरियंस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये चीज है। तो वी नो डैट कि एच हेड हमारे पास हम ऑलरेडी कह चुके हैं। अब क्लास यहां पे जो ये था ये रिलेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गाजियन रैंडम वेरिएबल्स, अभी हमने जो शुरू में लिखा था ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन था। ये जो हमने लिखा था यहां पे y ऑफ 1 इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस वी 1, y ऑफ 2 इज इक्वल टू h प्लस वी 2, बेटा ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन था ऑफ y k का, लीनियर कॉम्बिनेशन था रैंडम वेरिएबल्स। कौन से रैंडम? गाजियन रैंडम वेरिएबल्स ऑफ y1, y2 अप टू सोन yn। अगर हम ये इस तरह बात करते देन हमें पता है इस बात का, तो फिर ये गाजियन इन नेचर होगा एच हेड भी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ये पहले मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं कि बेटा जो हमने y1, y2, up to yn मैंने बात जो की थी, बेसिकली वो जो इक्वेशंस थी वो बेटा हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ गाजियन रैंडम वेरिएबल्स का। अब क्लास लीनियर कॉम्बिनेशन यहां पे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन डिटेल बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है आपने। उसमें आपको पता है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि फील्ड से आते हैं, और जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर स्पेस से आते हैं, और जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं ईच कांस्टेंट को विद इट्स ईच वेक्टर, एंड जो है वो उनके सेंटर में एडिशन का साइन आता है, तो अब क्लास उसको हम उस स्टाइल से लिखने को हम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। आपको लिख के दिखा देता हूं, ये इस तरह हमारे पास होता था कि a1 a1 a2 up to so on an, ये डेटा बिलोंग करेगा फील्ड से, बेटा बिलोंग करेगा फील्ड से, एंड एंड जो यहां पे स्मॉल v1 v2 up to so on vn, बेटा ये बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, और इनको हम लिखते हैं किस स्टाइल से हैं कि a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on an vn। तो बेटा ये हमारे पास इन दिस फॉर्मेट में लिखने को हम क्या बोलते थे? लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन से आगे मजीद जब वो जब आपने वेक्टर स्पेस पढ़े थे तो पढ़ते थे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, बट क्लास यहां पे मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आपको बता रहा था यहां पे क्योंकि वर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन का आ गया था, तो बेटा ये जस्ट उसी सेंस में बात हो रही है कि अब इनको हम उस इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो क्लास फॉर एच हेड द बिहेवियर ऑफ, अब फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच हेड बतानी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा मीन, आपको पता है कि ये मीन ही होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली क्या होता है? मीन वैल्यू ही होती है, क्योंकि यहां पे ये इक्वली लाइकली इवेंट से हम बात कर रहे हैं, ये शुरू में जो हम बातें कर रहे थे ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि हर एक के आने के चांसेस, मतलब हर एक वायरलेस से जो नॉइस आने के चांसेस जो है वो सेम है, मतलब जो डिफरेंट आवाजें, अगर फर्ज के मैं एन नॉइसिस कह देता हूं तो उसमें से मतलब एन नॉइसिस हैं, तो उन एन के एन नॉइसिस आने के चांसेस उस वायर से जो है वो उस सिस्टम से बेटा वो सेम है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमारे पास क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी बेसिकली क्या होगा? मीन वैल्यू।
क्लास हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू के इक्वल नहीं होती, जस्ट उस केस में होती है कि अगर हम जो हमारा जो सैंपल डाटा है वो हमारे पास इक्वली लाइकली है। तो बेटा मैं बात यहां पे ये कर रहा हूं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं एन कैपिटल एन, जो प्रीवियस मैंने बता चुका हूं कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसमें जो नाइस है वो कैपिटल एन है, मतलब कहने का कि वो एन तरह की नाइसिस वहां से आ सकती हैं। अब एन तरह की नाइसिस के आने के चांसेस जैसे वो जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कौवे की आवाज, मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं जैसे किसी मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, जो है वो चीज को रगड़ने की आवाज है, ठीक है, उसके बाद कौवे की आवाज है, कबूतर की आवाज है, डिफरेंट जो है वो तरह की आवाजें हो सकती है। ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं आपको मैं, ऐसी बातें तो नहीं होगी लेकिन वो डिफरेंट, आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आवाजें आ रही थी, ये मैं आपको समझाने के लिए वर्ड्स बोल रहा हूं, बेसिकली वहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आवाजें आ रही होती हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही होती है कि उन सभी फ्रीक्वेंसीज के एन जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके आने के चांसेस सेम है, तो देन हम वो कह सकते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो उसकी होगी वो इट्स इक्वल टू मीन होगी क्योंकि वो इक्वली लाइकली है, अदरवाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू जो है वो मीन के इक्वल नहीं कह सकते। एनी हो तो क्लास रिकॉल वाई ऑफ के इज इक्वल टू एच प्लस वी के, हमने उसको जो हमारी इक्वेशंस थी एन ऑफ इक्वेशंस उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, मतलब जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। अब सिंस क्लास एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता था गाजियन इन नेचर है तो वी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो होगा, ये हमने शुरू में गाजियन के बारे में पढ़ा था, तो जारी बात है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी उसकी वो जीरो होगी नॉइस, बिकॉज क्योंकि नॉइस इज जीरो, ये हमने शुरू में बात की थी यहां पे कि यहां पे ये गाजियन है तो गाजियन में जो है वो हमारे पास वो क्या होता है, गाजियन में वी ऑफ के हमारे पास वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बेसिकली ये आई आई डी है यहां पर और नाइस इज जीरो। एनी हो तो क्लास नेक्स्ट इज, अब हम यहां पे निकाल के रहे हैं हमारा बेटा जो टास्क यहां पे ये है, हम चेक कर रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ एच हेड, बिहेवियर ऑफ एच हेड, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू चेक कर रहे हैं उसकी और साथ ही उसके हम देख रहे हैं कि एच हेड हो क्लोज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। सेकेंड क्लास अब यहां पे हम जो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जो इक्वेशन वन है हमारे पास, इक्वेशन वन जो है यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन वन है क्लास हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगी एच हेड विच इज इक्वल टू वन ओवर एन, ये हमने पता है हमें, वो मैंने दोबारा लिखी है। अब क्लास इसको मैंने समीशन इसके अंदर मैंने अप्लाई इसमें वाई ऑफ के की वैल्यू पुट कर दी जो अभी मैंने रिसेंट इक्वेशन लिखी थी, क्लास यहां पे मैंने अभी मैंने लिखी थी इक्वेशन वाई ऑफ के की, ठीक है, और वो मैंने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। तो क्लास ये वाई ऑफ के की वैल्यू पुट कर दी। अब क्लास समीशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एच कांस्टेंट है तो जब कांस्टेंट के साथ समीशन मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि कैपिटल एन ही आ जाता है और बाकी के साथ एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कैपिटल एन नीचे डिवाइड हो रहा है तो अगर इसके नीचे सेपरेट डिवाइड करें तो यहां पर स्मॉल एच आ जाएगा, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन ओवर एन, ये ऐसे ही आ जाएगा। क्लास ये नॉइस सैंपल्स है, ये ट्रू वैल्यू पैरामीटर है और ये आपको पता है कि एस्टिमेटर है। नाउ अब हमने क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच हेड हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू सभी के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, तो देन इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट की, बेसिकली एच कांस्टेंट है दैट इज ट्रू पेरीमीटर, ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। अब क्लास आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, हमें पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट अगर ए बोलता हूं तो वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ए ही होती है, कांस्टेंट पे नो इफेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो उसका हमारे पास एच एज इट इज आ जाएगा। एंड सेकेंडली हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देन वन ओवर एन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर और एक्सपेक्टेड वैल्यू वी ऑफ के आ जाएगी। अब क्लास यू नो वेरी वेल के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी के इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज अ गाजियन नॉइस, ठीक है, देन हमने जीरो के इक्वल रखा तो दिस शोज दैट कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच हेड विच इज इक्वल टू स्मॉल एच, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइसनेस, दिस शोज दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, दिस इज नोन एज अनबाइस्ड एस्टिमेटर।
Therefore, ML estimator, that is sample mean, is an unbiased nature. तो क्लास में पता चल गया कि H hat जो है हमारे पास वो इक्वल टू हो क्लोज कितना क्लोज है वो हमारे पास इक्वल टू H आ जाएगा, वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा तकरीबन. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सैंपल हमने शुरू में लिया था वो गाजियन सैंपल से लिया था और आईआईडी था. ठीक है, ये दो कंडीशन में रखनी है, देन आपके पास जो उसका जो प्रॉपर्टी होगी मैक्सिमम लाइकलीहुड की वो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो अनबाइज्ड आ जाएगा. अदरवाइज जो है वो अनबाइज्ड नहीं होगा, वो बाइज्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैक्सिमम लाइकलीहुड की वो है इनवेरियंस. क्लास पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनवेरियंस. इनवेरियंस मीन अ प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द कंडीशन. मीन क्लास इनवेरियंस का सिंपली मीन होता है कि अगर हम प्रॉब्लम के अंदर उसकी कंडीशंस को चेंज कर दें तो देन देर इज नो इफेक्ट ऑन दैट प्रॉब्लम, देर इज नो चेंज इन दैट प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ द सर्फेस, एरिया ऑफ द सर्फेस रिमेन्स अनचेंज इफ द सर्फेस इज रोटेटेड इन स्पेस. सिंपली देन आई से द एरिया ऑफ द सर्फेस इज एन इनवेरियंस बिकॉज देर इज नो चेंज वेन वी फाइंड द एरिया इन द सर्फेस एंड वेन वी फाइंड दैट एरिया इन द स्पेस. नाउ मैक्सिमम लाइकलीहुड बेटा जो है वो हमारे पास वो इनवेरियंस भी होता है. थ्योरम है इफ थीटा हैट, ये बेटा डोग्रोट की बुक पे लिखा हुआ है थ्योरम, इफ जो के प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फोर्थ एडिशन हमारे पास बेटा बुक है और मैंने आपको बताया हुआ पहले ऑलरेडी मॉरिस एच डेग्रोट्स उसकी बुक पे ये 426 पेज पे थ्योरम लिखा हुआ है. तो प्रॉपर्टी है इफ थीटा हेड इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड इफ जी इज अ वन टू वन फंक्शन. अब क्लास वो बात कर रहा है यहां पे से कि थीटा हमारे पास ये बेटा पेरीमीटर है और इस पेरीमीटर के ऊपर जी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एज अ फंक्शन यूज हो रहा है और इससे जो रिजल्ट आता है वो थीटा हेड मैं कह सकता हूं यहां पे मैंने, क्योंकि दो हमने सेट सेलेक्ट कर लिए यहां पे. अगर मैं मैथ्स की मैं लैंग्वेज में बात करूं तो दो सेट सेलेक्ट कर लिए, ये ए है ये बी है, यहां पे सेलेक्ट कर लिए थीटा पेरीमीटर है और थीटा हेड जो एस्टिमेटर है, ठीक है, कि मतलब जो इसमें से सैंपल निकाल लें कुछ पेरीमीटर से, क्योंकि पेरीमीटर बेसिकली पॉपुलेशन का होता है ना, किसमें से कुछ सैंपल निकाल लें, वो निकालने के बाद उन सैंपल्स के ऊपर हम कोई ना कोई एस्टिमेटर जैसे मीन है वेरियंस है कुछ भी जो हम मतलब डिसाइड करते हैं वो अप्लाई करें और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे ईच वैल्यू के लिए तो बेटा वो मैंने लेट कर लिए ए बी सी और टू सोन आर तक मैंने लेट कर लिए, उसको मैंने थीटा हेड कह लिया. तो अब क्लास वो कह रहा है कि इफ इफ थीटा हेड इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अगर ये मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर थीटा के हैं, ठीक है, तो एंड सेकेंडली इफ जी जो है इज वन टू वन, वन टू वन फंक्शन मीन के हर वैल्यू जो है हर एलिमेंट के लिए जो थीटा के अंदर आ रहा है उसके लिए थीटा हेड के अंदर कोई ना कोई उसका इमेज होना चाहिए, ठीक है, तो हर एक के लिए कोई ना कोई इसका इमेज होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं हमारे पास वन टू वन फंक्शन है. अगर ये दोनों कंडीशंस हो गई कि मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर थीटा हेड है थीटा का और सेकंडली वो वन टू वन भी है तो देन क्लास जो अगर हम फिर जी ऑफ थीटा हेड, जी ऑफ थीटा हेड के ऊपर, जी ऑफ थीटा हेड जब जी अप्लाई करें थीटा हेड के ऊपर तो वो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर होगा जी ऑफ थीटा का, ठीक है, कि अगर थीटा हेड हमारे पास क्लास मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर है थीटा का और जी हमारे पास वन टू वन फंक्शन है देन हम कह सकते हैं जी ऑफ थीटा हेड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर होगा जी ऑफ थीटा का. इसका क्लास प्रूफ जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फोर्थ एडिशन डेग्रोट की बुक पे बेटा लिखा हुआ है 426 इजी सा प्रूफ है इसका, वहां से आपने इसको देख लेना. सेकेंड थर्ड बेटा जो है वो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर की, ये भी वहां पे प्रूफ लिखा हुआ है कि लेट थीटा हेड बी एन मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड लेट जी ऑफ थीटा बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. पहली बात
बेटा कि थीटा हेड इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ थीटा, जिस तरह पहले एग्जांपल में थ्योरम में था कि थीटा हेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेटर था थीटा का, वहां पे दूसरी कंडीशन थी इससे पहले वाले में कि जी हमारे पास वन टू वन फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां पे अब वो कह रहा है कि लेट जी ऑफ थीटा बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, कि हमारे पास जो जी ऑफ थीटा लेना है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, तो देन हम कह सकते हैं कि जी ऑफ थीटा जो होगा वो देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो होगा जी ऑफ थीटा का वो जी ऑफ थीटा हेड होगा, ठीक है, कि उसमें पहले वाले थ्योरम में उसमें थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन सेम है सेकंड डिफरेंट है, उसमें वन टू वन होगा तो देन हमारे पास क्या होगा जी ऑफ थीटा हेड वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा जी ऑफ थीटा का, लेकिन इस प्रूफ इस थ्योरम के अंदर क्या होगा कि बेटा हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेम है जी ऑफ थीटा इज एन फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, तो देन हमारे पास जो वहां पे था जी ऑफ थीटा हेड, लेकिन यहां पे है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यहां पे जो है वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा इज अ जी ऑफ थीटा हेड, ठीक है, ये भी 427 पेज पे इसका भी प्रूफ लिखा हुआ है क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है फोर्थ कंडीशन, उसकी जो फोर्थ कंडीशन है वो बेटा क्या है कि ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है कंडीशन कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर कंसिस्टेंट एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, ये तीनों चीजें मैंने आपको डिटेल से समझाई हुई है क्लास में कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बेटा कंसिस्टेंट क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है और सफिशिएंट क्या होता है, बट नॉट नेसेसरली अनबाइस, वही बात अभी मैं आपको तो बता के हटाऊं कि जरूरी नहीं है कि वो अनबाइस्ड हो, लेकिन प्रीवियस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वहां पे प्रूव किया कि अनबायस किस कंडीशन में होगा कि अगर वो गाजियन सैंपल्स में से डाटा लिया जाएगा सैंपल का, सैंपल अगर गाजियन होंगे और सेकेंडली वो आईआईडी होंगे देन हम जो है वो वहां पे कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो अनबायस्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर वहां पे होगा। क्लास ये फोर कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे कि व्हाट इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट और इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।